बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज में बीते दिनों हुई हत्याकांड का पुलिस व एसओजी की टीम ने सफल अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते 24 मई को थाना विश्वेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम कुसभौना जनपद बहराइच निवासी देवता दिन पुत्र राम दुलारी की हत्या गांव के बाहर रोड पर कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना विश्वेश्वरगंज में मुकदमा धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री प्रशांत वर्मा द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल टीमों का गठन किया गया एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री ज्ञानंजय सिंह व क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर श्री आनंद राय के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, थाना विश्वेश्वरगंज व प्रभारी एसओजी सर्विलांस राजकुमार पांडे के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम व थाना विश्वेश्वरगंज पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम कर मुखबिर के सहयोग से ज्ञात हुआ कि मृतक को शक था कि उसकी पत्नी की मित्रता रमेश कुमार से थी, जिसका विरोध देवता दीन किया करता था। 24 मई सुबह को मृतक देवता दीन आइसक्रीम बेचने जा रहा था कि गांव में अभियुक्त रमेश कुमार मिल गया, जिसे देखकर मृतक देवता दीन का अभियुक्त रमेश कुमार से विवाद हो गया, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त रमेश कुमार द्वारा शाम को जब मृतक देवता दीन आइसक्रीम बेचकर वापस आ रहा था, अंजनावाह तालाब के पास सिर पर डंडा मारकर गिरा दिया, वहां डंडे से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके उपरांत अभियुक्त शव को छोड़कर फरार हो गया। जनपद बहराइच के थाना विशेश्वरगंज में दिनांक 24 मई को गांव उस होना में एक व्यक्ति जिसका नाम देवता दीन पुत्र राम दुलारे है, करीब 45 साल के आसपास इनकी उम्र था, इनका शव जो है वो मार्ग में एक सड़क किनारे मिला था। इस संबंध में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम इंजरीज और स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु कारित होना पाया गया, जिसके बाद फिर दफा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके अनावरण का प्रयास जारी किया गया। इसके अनावरण के क्रम में एक जो मामले का पूरा खुलासा हुआ है उसमें अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र नन के, जो पंडित परवा गांव के निवासी हैं, थाना विशेषगंज के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जो मृतक था उसको ये शक था कि उसकी पत्नी के संबंध जो हैं इस अभियुक्त से हैं और इस वजह से उनके बीच में काफ़ी रंजिश रही थी। उस दिन ये दोनों आमने सामने पड़ गए, उनके बीच में जो डंडा था उसका प्रयोग करके पहले इसने सर पे वार किया, कई वार किए और इसके बाद फिर गला दबा करके उसकी हत्या की। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।